भारतीय टीम की आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में जिस तरह से हार हुई उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम अपनी बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रही थी, इसे देखकर ये तय माना जा रहा था कि भारत इस बार विश्व कप अपने नाम कर ही लेगा। मगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी भारतीयों और दिग्गज खिलाड़ियों की संवेदनाएं टीम के साथ हैं और दर्शकों ने उम्मीद जताई कि टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले टेस्ट मैच में अपनी जीत दर्ज कर जख्म को भरने का काम करेगी। लेकिन टीम के ढुलमुल रवैये के कारण भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में खरारी हार का सामना करना पड़ा। टेम्बा बाउमा की अगुवाई वाली टीम ने भारतीय टीम को पारी और 32 रन से शिकस्त दी, जिसके बाद एक एक कर दिग्गज खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। पूर्व क्रिकेटर्स भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया 3 दिन में ही मैच हार गई। इस हार के बाद सबसे ज्यादा आलोचना टेस्ट में भारत के नए नंबर 3 शुभमन गिल की हो रही है, क्योंकि शुभमन गिल क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में अब तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। एक तरफ जहां वनडे और टी20 में उनका औसत और स्ट्राइक रेट बेजोड़ है, वहीं टेस्ट में उनका औसत भारतीय घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के लिए खेलने वाले हनुमा विहारी से भी खराब है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर चेतेश्वर पुजारा, रहाड़े और विहारी की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, अय्यर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के आने के बाद हनुमा विहारी, पुजारा और रहाड़े को टीम से बाहर कर दिया गया था। बता दें कि विहारी की उम्र 30 साल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020-2021 में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाई थी और सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराने में उन्होंने अश्विन के साथ मिलकर चोट के बावजूद कई घंटों तक बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अचानक से टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर हनुमा को वापस टीम में लाने की मांग उठ रही है। वहीं अब तक के शुभमन के रिकॉर्ड की बात करें तो शुभमन ने अब तक 19 टेस्ट की 35 पारियों में 31.06 की औसत से 994 रन बनाए हैं। उनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक हैं। वहीं भारतीय जमीन पर खेले गए 8 टेस्ट की 14 पारियों में गिल 32.08 की औसत से 417 रन बना चुके हैं। इनमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। वहीं विदेशी जमीन पर 11 टेस्ट की 30 पारियों में उन्होंने 30.37 की औसत से 577 रन बनाए हैं। वहीं अगर हनुमा विहारी के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 16 टेस्ट की 28 पारियों में 33.56 की औसत से 839 रन बनाए हैं। इनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। घरेलू मैदान पर हनुमा ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले हैं और विदेशी जमीन पर उनकी ज्यादा परख हुई है। भारत में 3 टेस्ट की 4 पारियों में हनुमा ने 33.50 की औसत से 134 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। वहीं विदेशी जमीन पर 13 टेस्ट की 24 पारियों में हनुमा ने 33.57 की औसत से 705 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया धरती को छोड़कर अन्य खेले गए देशों में भी हनुमा का रिकॉर्ड गिल से बेहतर है।